ज्ञान दी नगरी चैनल विच स्वागत है सब दोस्तों का। एक बार फिर हाजिर आप दी खिदमत दे विच अज दा ए नवा वीडियो लेके रोज पीरां फकीरां बलियां दे बारे कुछ नवा जानदे हो। उन्हां दे नाल निस्बत रखण वाले लोग वो पाक साफ रूहां साढ़े इस चैनल दे नाल जुड़ियां ने। तो एक छोटा जिहा किस्सा कुछ चंद लाइना आप जी दे नाल सांझियां करनियां। अगर आपां उस मालिक नूं मन्नदे हां उस ते इश्क दे विच कुछ वक्त अपनी जिंदगी दा कढ के उस नूं याद करदे हां, सुबह शाम उस दे अगे बैठ के अपने दिल दे भाव प्रगट करदे हां, अगर उस नज़ारे तो बाद वो मालिक नूं याद करन तो बाद उसका पाठ पूजा वंदगी इबादत करन तो बाद भी तुहाडे मन दे विच जां तुहाडे सुभा दे विच कुछ बदलाव नहीं आया, गुस्सा भी उसी तरह आ रहा है, चुगली निंदिया ठगी सब कुछ उसी तरह चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिमें एक साइकिल खड़ा है उस खड़े साइकिल दे आपां पैडल मारी जा रहे हैं, उसनों तेज़ करी जाते हैं, पर वो साइकिल एक थाई खड़ा घूम रहा है, उन्हें पहुँचना किते नहीं, उन्हें जाना किते नहीं, वो सब पाठ पूजा बंदगी इबादत कढ़िया समा उस मालिक नूं दिता समा व्यर्थ है। अगर मन दे विच कोई बदलाव नहीं आया, हजे भी देखनी गलत है, हजे भी सुननी गलत है, हजे भी बोलनी गलत है, हजे भी विचार गलत ने, मन हजे भी डोलदा, इसका मतलब वो कीता सब व्यर्थ है। अगर कुछ चेंज आ गया उस मालिक की रजा दे विच रहिंदिया होया तो इसका मतलब यह है कि उसने तुहाडी गल सुन ली, उसने अपनी निगाह तुहाडे वल कर ली है, तुहाडे हालात बदल लग पे ने, तुहाडी सोच बदल लग पई है, तुहाडा बोलन का तरीका सोचन का तरीका देखन का तरीका बदलन लग पिया, क्योंकि उस मालिक नूं पल पल की खबर है कोई की खा रहा, कोई की सुना रहा, कोई की गा रहा, कोई की बोल रहा, सब की खबर है उस तत्व। तो आस करांगा कि आप जी ने कुछ ना कुछ जरूर समझ लगा होगा इस वीडियो के विचों। जल्द हाजिर होवां किसी नवें वीडियो के नाल। तद तक ले हक मुर्शिद सच मुर्शिद।